दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव के अब लेकर नेता भी गांव-गांव में घूमने लगे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने लगे हैं। हमने न्यूज 18 लोकल के माध्यम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले रोहित कुमार से वार्ता की है और उन्होंने शिक्षा को लेकर कई प्रकार के दावे किए हैं और विकास को लेकर भी कई प्रकार के दावे किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हम जीत कर आए तो इन मुद्दों पर हम विकास करवाएंगे। 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और हमने एक एक कर सभी प्रत्याशियों से वार्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ में है रोहित जी, इनसे बात करेंगे ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जाएंगे आप? जनता के पास बीच जाने के जो मुद्दे थे तो वो तो शुरू से यही थे कि आज मेरा जो सोच है वो है दौसा को आतंकवाद से मुक्त बनाना है, अति संवेदनशील क्षेत्र का जो कलंक लगा हुआ दौसा पे उसको धोना है, विकास के गंगा दौसा में बहे उसके लिए जो नैतिक कार्य हैं वो करने हैं। क्योंकि आमतौर पर जो राजनेता यहाँ पर आए सब अपने जातिवाद की खाइयों में दौसा को उडेल दिया और आज भी आप देखेंगे तो इन चुनावों में भी वापस वही हो रहा है कि यहाँ परिवारवाद के नाम पर टिकट देकर तो दूसरी ओर गठबंधन कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब में नुकसान जिसका होता है वो होता है भोली भाली जनता का। तो आज जनता जागृत हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि उनके बीच एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर आए जो भले ही किसी भी पार्टी से हो या किसी पार्टी से ना हो, लेकिन वो उनके बीच का हो, स्थानीय हो, वो उनके दर्द को समझता हो, उनकी पीड़ा को समझता हो और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए वो प्रयास अपने पूरे करता हो। तो यही मेरे मुद्दे रहेंगे। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, जातिवाद का मुद्दा उसके बाद है और उसके बाद मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि दौसा को हम दुबई बना देंगे, लेकिन दुबई से कम भी दौसा नहीं होगा, इसकी मैं दौसा को गारंटी दे सकता हूँ। के लिए शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा को लेकर मैंने अपने प्रण पत्र जो 51 संकल्प मैंने लिए थे उसमें मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि दौसा में आज विधानसभा की अगर बात करूँ या पूरे ज़िले की भी अगर बात करूँ तो लगभग विद्यार्थी आज जयपुर कोटा सीकर जैसे शहरों में जाकर वहाँ पढ़ रहे हैं। इससे ना सिर्फ दौसा की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है बल्कि उन बच्चों को, उन बच्चों के परिवारों पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत पीड़ा उनको रहती है, काफ़ी पैसा उनका लगता है। तो अगर दौसा में एक एजुकेशन हब बन जाए, इस चीज़ की मांग मैंने आज से 4 माह पहले जब भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारी कर रहा था तब भी मैंने उठाई थी, अपने प्रणपत्र को मैंने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा था कि ये मुद्दा उठना चाहिए कि दौसा में एजुकेशनल हब बने जैसे आज जयपुर में प्रताप नगर में बना है उसकी तर्ज पर, ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पानी की बड़ी समस्या रहती है, पानी को लेकर क्या अपने हो रहे हैं? देखिए दौसा में अगर नेता ही राजनीति, गंदी राजनीति करना बंद कर दे तो पानी का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, इस बार पूरे प्रदेश में जो बरसात हुई और बरसात कितने अच्छे स्तर की हुई, लेकिन उस जल के संरक्षण और संवर्धन को लेकर किसी ने कुछ नहीं किया, वो पानी आया और व्यर्थ ही चला गया। तो अगर सिस्टम तरीके से सेट किया जाता है तो मुझे लगता है ना तो पानी की कमी रहती है ना सड़कों की कमी रहती है। आज आप सड़कों की बात कीजिए तो आज सड़कें जो 5-5 साल से जो सड़कें ऐसे की बसी पड़ी थी, आज उपचुनाव के समय हम जैसे कार्यकर्ताओं को जब उन मुद्दों को उठाना पड़ा, प्रदेश तक पहुँचाना पड़ा, बार बार मीडिया में आप लोगों की सहायता से उसको आगे ले जाना पड़ा, तब जाके आज उन सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नेता मजबूत हो, अगर नेता इरादे वाला हो, झूठे वादों वाला ना हो, तो कोई समस्या जनता की नहीं रह जाती, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ये रोहित हैं जो बता रहे हैं कि जनता की ऐसी कोई समस्या नहीं है अगर नेता कार्य करें तो। दौसा से पुष्पेंद्र मीणा की रिपोर्ट।